नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 68,569 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 3 जनवरी 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले और दोस्तों बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबरें क्या है उसको दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपडेट होगी नई शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 4,000 शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा शीघ्र होगी। आवेदन के लिए यह होगी अर्हता। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से छात्रों को मिलेगा मौका, मतलब बीटीसी और बीएड, क्या दोनों छात्रों को मौका मिलेगा या सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा, इस वीडियो में उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 मूल अंक पत्र की फोटो कॉपी ले जाए। टीईटी परीक्षा में 8 जनवरी को होगी आपकी यह परीक्षा, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हम बात करेंगे आपके यूपी टेट 2019 की परीक्षा 8 जनवरी होने से पूरी समय सारिणी दोस्तों आपकी बदल चुकी है। यूपी टेट 2019 का रिजल्ट अब 7 फरवरी को जारी होगा, ठीक है दोस्तों। यूपी टेट न्यू एडमिट कार्ड 2020 यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हम दोस्तों आपको अभी कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर अभी तक आपने दोस्तों नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर पाएंगे। फिर दोस्तों हम बात करेंगे नए साल का महा सर्वे का महा रिजल्ट दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में, कि इस बार दोस्तों जो 2020 का सर्वे हुआ उसके अनुसार मतलब कितने नंबर अगर आपके होंगे या कितने गुणांक होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी या आप बाहर हो जाएंगे। फिर दोस्तों वही बात है कि सिर्फ इन बच्चों को ही मिल पाएगी नौकरी, तो इस वीडियो में उसको देखने वाले हैं। 40, 45, 60, 65 को लेकर क्या अपडेट है, 30, 33 कट ऑफ होने से मतलब होने पर किन बच्चों को मिलेगा फायदा और दोस्तों कितने नंबर गुणांक तक मिल जाएगी नौकरी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों एक एक करके वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट को देखेंगे, जो दोस्तों 4,000 शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने हो रही है 4,000 शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा शीघ्र होगी। जी हाँ दोस्तों पूरी अपडेट दोस्तों देखते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 4,000 शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती जल्द होगी। इसके लिए राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने इन भर्तियों पर सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। प्रदेश में 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, इनमें लगभग 4,000 पद खाली हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूरी तरह क्रियाशील होने के बाद भर्ती का जिम्मा आयोग का होगा। राज्य सरकार ने बीते वर्ष जून में एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिसंबर में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया। पहले कई तरह की गड़बड़ियां आई और फर्जीवाड़े की शिकायतें दोस्तों क्या थी, आम थी। तो दोस्तों अब देखिए एक अच्छी शिक्षक भर्ती आपके सामने आ चुकी है दोस्तों, बहुत ही जल्द इसका मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो पेपर आपका पीएनपी कराया गया परीक्षा नियामक प्राधिकारी, तो दोस्तों 4,000 पदों के लिए जो शिक्षक भर्ती होगी ये आपके लिए काफी खास होने वाली है। चलिए दोस्तों पहले अब ये देखते हैं कि इस प्रक्रिया में किन बच्चों को मौका मिलेगा। अब ये होगी प्रक्रिया, अब ये भर्ती राज्य स्तर पर होगी। भर्ती के लिए दोस्तों लिखित परीक्षा होगी जिसका उत्तीर्णांक भी तय होगा। भर्ती के लिए बीटीसी बीएड की डिग्री के साथ स्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होगा। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, बीटीसी और बीएड दोस्तों साफ साफ यहाँ मेंशन किया गया है। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये आपकी अपडेट कर रही है, ये आपका अखबार कह रहा है कि दोस्तों बीटीसी बीएड की डिग्री के साथ अगर आपके स्नातक में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। आयु की दोस्तों न्यूनतम सीमा कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए और अधिक से अधिक आप 40 साल के होने चाहिए। प्रबंधक अब स्वीकृत रिक्त पदों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे, बीएसए से विभाग के निदेशक के सामने रखेंगे। निदेशक इसका परीक्षण करने के बाद चयन की कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी और सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, कि अब एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली जो 4,000 पदों के लिए होगी। दोस्तों देखिए मेन होता है कि वैकेंसी आती रहनी चाहिए, होता है क्या कि अगर फ्लो में रहते हैं ना आप लोग, तैयारी दोस्तों अगर एक बार हो जाती तो मतलब लगातार अगर वैकेंसी का दौर जारी रहे तो आप बहुत ही जल्द उसको नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमने कल ही आपको अपडेट दी थी कि 6,000 पदों पर दोस्तों आपकी केवीएस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो दोस्तों सेंट्रल लेवल की होगी, उस पर दोस्तों आपको मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 4,000 ये आ गई, मतलब सब आगे पीछे दोस्तों वैकेंसियां आने वाली हैं 2020 में। तो दोस्तों 2020 में नौकरियों की लाइन लग गई है एक तरह से हम कहें तो, क्योंकि दोस्तों दो पेपर तो होने वाले हैं। अब देखिए 4,000 पदों का दोस्तों हम नहीं कह सकते कब तक होगा, लेकिन दोस्तों जो केवीएस वाला होगा ना वो जरूर होगा। आप लोग को पता है कि सेंट्रल की वैकेंसी और सीटेट का रिजल्ट, सीटेट का रिजल्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सिर्फ 19 दिन के अंदर दोस्तों जारी करके सीटेट ने दिखा दिया कि भाई हम सबसे तेज हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 लाख बच्चों का रिजल्ट 19 दिन के अंदर जारी करना एक बड़ी कामयाबी होती है।
तो दोस्त ये बड़ी अपडेट थी। और दोस्तों चलिए कुछ नियम बदल गए हैं यूपी टेट के लिए, तो उसको देख लेते हैं। कुछ समय सारिणी में परिवर्तन हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी टेट का पेपर दे रहे हैं तो यूपी टेट का रिजल्ट अब 7 फरवरी को जारी होगा, जो कि दोस्तों पहले 21 जनवरी को जारी होने वाला था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2019 का रिजल्ट अब 7 फरवरी को आएगा। परीक्षा की तारीख 8 जनवरी होने के साथ ही पूरी समय सारिणी बदल गई है। लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 14 जनवरी को जारी करने की तैयारी है। विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने संशोधित समय सारिणी जारी की है। इसमें परीक्षा दोस्तों आपकी 2 पालियों में 8 जनवरी को होगी। 10 जनवरी तक जिलों से ओएमआर सीट परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वही 14 जनवरी को वेबसाइट पर उत्तर कुंजी जारी होगी और 17 जनवरी तक उस पर ऑनलाइन आपत्तियां ली जाएंगी। 28 जनवरी तक दोस्तों आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ करेंगे। वह अपडेट उत्तर कुंजी 31 जनवरी तक वेबसाइट पर आपकी जारी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम फाइनल आंसर की कहते हैं या रिवाइज आंसर की कहते हैं, उसकी बात हो रही है दोस्तों, जो कि अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी रिवाइज आंसर की जारी नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट है उसको देखेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए काफी 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों ने इसमें यूपी टेट में आवेदन कर रखा है। तो दोस्तों इसलिए हम इसको भी अपडेट कर देते हैं कि जो बच्चे आवेदन किए उनको भी थोड़ा फायदा मिले। तो दोस्तों चलिए, आज से आपकी कुछ नई नौकरियों का दौर अब शुरू हो रहा है 2020 में। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि जैसे 2019 में आपके एक भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कहें कि अगर शिक्षक भर्ती के नजरिए से देखा जाए तो सबसे बेकार सालों में से एक था 2019। 69,000 भी दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाई और नए शिक्षक भर्ती भी आपको देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों चलिए बात होगी कि नए साल का महासर्वे का रिजल्ट क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया था कल, हमने आपको वैसे डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो बच्चे कल की वीडियो हमारी ना देख पाए हो, तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है कि आपके ऐसे काफी छात्र होने वाले दोस्तों जो 70 से प्लस गुणांक बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 70 प्लस गुणांक बनाने का मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि इनको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 40-45 की जीत होगी तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 60-65 की जीत होगी तो भी, मतलब इनको दोस्तों दोनों कंडीशन में इनको नौकरी मिलना फिक्स है। कभी कभी दोस्तों होता है ना कि आप ऐसे मुकाम पर होते हैं कि कुछ भी हो जाए आपको तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है, आपकी नौकरी आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में, आप ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कम से कम 22% छात्र आ रहे थे जो दोस्तों 70 से ऊपर गुणांक पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम कैलकुलेट करें 100 में से, तो 100 में से दोस्तों 22 छात्र हो जाएंगे, 1,000 में 220 हो जाएंगे, 1,00,000 में दोस्तों 22,000 हो जाएंगे और 2,00,000 में 44। ऐसे दोस्तों अगर हम 4,00,000 की बात करें तो 88 हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये दोस्तों लिमिटेड बच्चों पर सर्वे किया गया था, सिर्फ 5,000 बच्चों का वोट था, ठीक है ना, 5,000 बच्चों को वोटिंग पर ये सर्वे हुआ है। तो दोस्तों अगर हम माने एक तरह से एक आइडिया ले कि अगर कम से कम इतना, तो आपको समझ के चलना है कि 20,000 छात्र ऐसे होने वाले हैं जो 70 से प्लस गुणांक लेकर आएंगे। तो मतलब आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में से अगर हमने 20,000 छात्रों को हटा दिया तो आपके पास कितने छात्र बचे, सिर्फ 49,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों अब आपकी बचती है, जिसमें दोस्तों सभी बच्चों के अब जो गुणांक बनेंगे वो 70 से कम है। जी हाँ दोस्तों, 70 से अधिक वाले सभी बच्चे नौकरी पा चुके हैं, अब 70 से कम में दोस्तों 49,000 पद बचेंगे। लेकिन ये कंडीशन दोस्तों तब लागू होती है जब आपकी 60% कट ऑफ हो, 40-45 कट ऑफ हो जाएगी दोस्तों, तो शिक्षा मित्रों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते कि 25 से 30 हजार शिक्षा मित्र और आगे, मान लेते 30 हजार आगे, तो दोस्तों यहाँ से 30 हजार और माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना है? सिर्फ 19,000 पद बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, 19,000 पद में से जो बच्चे 70 से कम गुणांक पर होंगे उन बच्चों को मिलेगा मौका, चाहे वो बीटीसी को हो चाहे वो बीएड के हो। अब सभी शिक्षा मित्रों ने फिलहाल यहाँ पर नौकरियां ले ली हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है आपके टाइम में। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए, 69,000 वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी है अभी तक की फिलहाल, इसके बाद दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को भी नहीं मिलने वाली। अब देख रहे होंगे आप लोग, आप 69,000 और 68,500 की बात करें दोस्तों, और एक तरफ नई जो शिक्षक भर्ती आने की बात हो रही है सिर्फ 4,000 पदों पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि 69,000 और शिक्षक भर्ती कितनी बड़ी शिक्षक भर्ती थी। इसमें जो बच्चे नौकरी पा जाएंगे सो पा जाएंगे, लेकिन इसके बाद का जो दोस्तों कंपटीशन का दौर आएगा वो इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको फाइटिंग बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। मतलब दोस्तों जो अगर आज हम लोग 70 अंक के गुणांक की बात कर रहे हैं, कल दोस्तों जब ये वीडियो हम बनाएंगे 4,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए, तो दोस्तों उस पर हम बात करेंगे 80 से प्लस गुणांक जिन बच्चों के होंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों देखिए समय के साथ सभी कुछ बदल रहा है, बच्चों के नंबर भी अब ज्यादा आने लगे हैं। पहले दोस्तों इंटर हाई स्कूल में आप देखते होंगे, इंटर में मुश्किल से किसी बच्चे का 60% आता था, आ तो दोस्तों 90 से लेके 95% आना बिल्कुल नहीं, तो मामूली बात होती है। तो कुछ ऐसा हो गया, तो मतलब आने वाले टाइम जो 80 अंक का गुणांक बता रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये मत सोचिएगा 80 क्या दोस्तों, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में बच्चे 85 प्लस गुणांक तक को भी टच कर जाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है,
आप लोग तैयारी कर सके तो कर लीजिए, जितनी अच्छी आपसे तैयारी हो सके दोस्तों, कि जो नए शिक्षक भर्ती दो आपको 4,000 पदों पर देखने को मिलने वाली है, तो उस पर अगर आपकी एक प्रॉपर तैयारी होगी तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसको आप फोकस में रख के पढ़ाई करते रहिए, और बाकी की जो अपडेट्स आती रहेंगे दोस्तों, वो अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो महासर्वे का महारिजल्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है ना, अगर दोस्तों इन केस 60-65 की जीत हो जाती है, इसको समझ जाइए, और दोस्तों उधर 30 और 33 की भी जीत होती है, डबल जीत दोस्तों, फिर अगर आप जनरल कैटेगरी में दोस्तों सिर्फ 60 अंक का गुणांक भी पाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ओबीसी में दोस्तों क्या हो जाएगा, ओबीसी में 55+ गुणांक पर आपको नौकरी मिलेगी, एससी में दोस्तों सिर्फ पास हो जाएंगे नौकरी मिल जाएगी, एसटी कैटेगरी में दोस्तों पास हो जाएंगे नौकरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन कब है, जब आपके 60-65 की जीत हो जाए, ठीक है, और 30-33 की भी जीत हो, तो दोस्तों इतनी आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है अगर ऐसा हुआ तो। देखिए दोस्तों काफी उम्मीदें बन रही है कि जीत किसी की भी हो सकती है, अभी तक दोस्तों आपकी जो 40-45 टीम है उन्होंने कट ऑफ मुद्दे पर बिल्कुल भी बात नहीं की है, इसलिए दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि अभी 40-45 या 60-65 में से किसका पलड़ा भारी है। तो दोस्तों अभी दोनों सब कुछ बराबरी पर चल रहा है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, और भी हम अपडेट्स लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, फिर मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की जो खुशखबरी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बता दीजिएगा कि नए शिक्षक भर्ती फिलहाल आ रही है 4,000 पदों पर। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।